क्या अब कश्मीर के अंदर हिंदुओं की एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट करके उनकी हत्या की जा रही है। बीती रात आतंकियों ने एक गैर कश्मीरी हिंदू मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। यही वो वक्त था जब हमने आपको ये खबर सुनाई थी। आतंकियों का मकसद है आतंक फैलाना और वो इस मकसद में कामयाब हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चिंताजनक हालात पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ बैठक की। इसमें निर्देश दिए गए कि घाटी में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क पर कड़ी चोट की जाए ताकि आतंकी हमले में मिलने वाली स्थानीय मदद रोकी जा सके। गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीरी हो या गैर कश्मीरी, सबकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए। घाटी के अंदर खुफिया तंत्र को और मजबूत किया जाए। आतंक फैलाने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाए। हालांकि लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद कश्मीर में काम करने वाले हिंदू अब घाटी से जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि ऐसा हो क्यों रहा है और सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारी क्या की है। मास्टर स्ट्रोक की यही कवर स्टोरी। दो आदमी आए, इतना देखा भी पैदल चल के आ रहा है हमारे पास कोई, तो हम रमान से बैठे, वो इधर आए पास में, तो इधर जैसे दो फैर किया तो लड़का सामने बैठा था, उन पे दोनों पे एक पे लगा, दिल पे गोली, एक पे लगा मारा था जहाँ पे। हम इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं और यहाँ पर करीब 10 परिवार आज सुबह कश्मीर घाटी से निकलकर अपने घर जम्मू आ रहे हैं। घाटी से हिंदू लौट रहे हैं क्योंकि कश्मीर जो है रहने लायक नहीं है। हमारी माइनॉरिटीज के लिए जो सेफ्टी है दैट इज जीरो। कोई जगह माइनॉरिटीज के लिए ऐसी नहीं है जो सिक्योरिटी जोन में, कोई सिक्योर जोन है ही नहीं कश्मीर। डरे हुए हिंदू कह रहे हैं कि घाटी नहीं लौटेंगे क्योंकि डर है पिस्टल का। आतंकी संगठनों की तरफ से घोषणा हो चुकी है कि कश्मीर में हिंदू नॉट अलाउड। राहुल भट्ट के सीने में उतारी गई गोली, रजनी बाला के सर में दागी गई गोली, टेरर का टारगेट बने बैंक मैनेजर विजय कुमार, गरीब मजदूर मेहनतकश दिलखुश कुमार के सीने में उतारी गई गोली, ये सब घटनाएं बता रही है कि हिंदू अगर कश्मीर घाटी में जाएगा तो मारा जाएगा। गुरुवार की शाम आतंकियों ने बिहार के रहने वाले जिस मजदूर दिलखुश कुमार को निशाना बनाया वो बड़गाम के चडूरा इलाके के इस ईंट भट्टे पर काम करता था, मगर उसकी गलती बस ये थी कि वो गैर कश्मीरी था और हिंदू था, इसीलिए आतंकी आए और उसे गोली मार दी। टेम्परेरी शेल्टर है उसके में मौजूद है जहाँ पे कल देर शाम इन दो प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया। दो आदमी आए, हमने देखा भी तो कोई आ रहा है हमारी तरफ, हमको ही नहीं पता था कोई ऐसा गोली चलाएगा। वो आए, काला कपड़ा पहना था, देखा था इतना, तो उसने दो फेर निकाला, इधर सामने लड़का दिलखुश बैठा था जो जहाँ पे उसके गोली लगाया, जहाँ दिल पे लगा, तो वो बाद देखा जब बाहर निकलने लगे तो वो भाग गए पीछे को। कश्मीर घाटी में आतंकी हिंदुओं को घटाने और खदेड़ने के लिए उन्हें टारगेट कर रहे हैं। कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी हिंदू, गैर कश्मीरी कामगार सब आतंकियों के निशाने पर हैं। कश्मीर से लौटने वाले हिंदू जो बता रहे हैं उसे सुनकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कश्मीर एक बार फिर से 1989 वाले हालात की ओर बढ़ गया है। जो वहाँ का आम मुसलमान भी है उसकी आंखों के अंदर हमें वो घृणा नजर आती है, हमें वो नजर आता है कि ये काफिर हैं और ऐसे मुंह पे बहुत अच्छा बनेंगे, लेकिन आप अपने अंदर के जज्बात को कितना छुपाओगे। ये अभी डर का माहौल चल रहा है जो टारगेट किलिंग्स है, 90 में तो ये अंधाधुंध किसी को भी, हर किसी के हाथ में बंदूकें होती थी, तो ये स्टार्टिंग का दौर ऐसा ही होता है कि आप पहले एक को मारें 10 को डराएं। सेलेक्टिव टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू लौटने लगे हैं। बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या के बाद कई परिवार घाटी से जम्मू पहुंच चुके हैं। कश्मीर घाटी में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, लगातार कश्मीरी पंडितों को, प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है और जिसके चलते अब प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में नौकरी करने वाले कश्मीरी पंडित वापस लौट रहे हैं। घाटी में बरसों बरस से रहने वाले और काम करने वाले लोगों के मन में कितना भय है ये समझिए। कोई जगह माइनॉरिटीज के लिए ऐसी नहीं है जो सिक्योरिटी जोन में, कोई सिक्योर जोन है ही नहीं कश्मीर में। गुरुवार की शाम दर्जनों कश्मीरी हिंदू परिवार घाटी छोड़कर जम्मू पहुंचे हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि घाटी में रहते तो मारे जाते।
हमारे मोदी जी बोलते हैं जान है तो जहान है, जब हमारी जान रहेगी तभी तो सब होगा ना। आतंक के सताए घाटी से लौटे रजत और अमित सरकार और सिस्टम से सवाल पूछ रहे हैं, वो जीने का हक मांग रहे हैं। हम 21 दिन से सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे थे और कुछ नहीं मांग रहे थे सरकार से, दैट इज राइट टू लिव, नॉट ओनली गिव्स अस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो अंडर आर्टिकल 21। और हम कुछ डिमांड ही नहीं रख रहे, इंडियन सिटीजन्स को आप इवैक्यूएट करते हैं जहां पे वॉर जोन होता है, क्या इनको नहीं लगता कि कश्मीर एक वॉर जोन है? डर है पिस्टल का। कश्मीर घाटी से जम्मू पहुंचे इन सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि अब दोबारा कश्मीर घाटी नहीं जाएंगे, बेशक उनकी नौकरी क्यों ना चली जाए। सरकारी कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें आतंक मुक्त इलाके जम्मू में तैनाती दी जाए, सरकार उनका ट्रांसफर जम्मू नहीं करती तो वो सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। जम्मू के करीब 4000 सरकारी कर्मचारी घाटी छोड़कर लौट आए हैं। घाटी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जम्मू में धरने पर बैठे हैं। इनके मन में घाटी के आतंकियों की गोली का खौफ है। हमारी बहन को मारा गया है, लेकिन अब हम जहां अपने घरों में आना चाहते हैं, हम साइकोलॉजिकली बीमार हो गए हैं, हम अब नहीं जा सकते हैं। हमें होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए सर, नो नौकरी, हम रिजाइन देने के तैयार हैं सर। जम्मू में कश्मीर से विस्थापित हिंदुओं की मिनी टाउनशिप जगती कॉलोनी में घाटी से लौटने वालों की तादाद अब बढ़ने लगी है। कश्मीर घाटी में लगातार हो रही टारगेटेड किलिंग्स और इस टारगेटेड किलिंग के बाद वहां से घबराए हुए लोगों का पलायन जारी है। टैक्सियों में अपना सामान लोड करके हिंदू जान बचाकर घाटी से लौटने लगे हैं। क्या करें, अब खुश है वापस आ गए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश। अब वापस जाने देंगे इनको? हाँ, ठीक हो जाए, हालात ठीक हो जाएगी, जब हालात ठीक हो जाए तब तक कहाँ जाएंगे। ये कश्मीरी हिंदू कई साल से सरकार के अलग अलग विभागों में काम कर रहे थे और घाटी में तैनात थे, लेकिन रजनी बाला और विजय कुमार की हत्या के बाद इन्हें घाटी में रहना ही नहीं है। अब तो नहीं लग रहा, हम चाह रहे हैं कि हमें जम्मू ही ट्रांसफर कर दो, वो ठीक रहेगा सर। घाटी में काम करने वाले हिंदू सरकारी कर्मचारी सुरक्षित जगह ट्रांसफर मांग रहे हैं। कश्मीर में चिंताजनक हालात पर राजनीति वाले अपनी अपनी सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस नेता धर्म आधारित राजनीति करने के लिए बीजेपी के माथे दोष मढ़ रहे हैं। आपका अगर एक संवेदनशील चेहरा होता है, एक ऑल इंक्लूसिव चेहरा होता है, तो ये चीजें आपके कंट्रोल में आ जाती। आपने सोचा कि हम प्रोपेगेंडा के माध्यम से कश्मीर को ठीक कर देंगे। अगर प्रोपेगेंडा से ठीक हो सकता था तो हिटलर वुड हैव वन द वर्ल्ड। लगभग 12 मई से लगातार अलग अलग वारदातों में लगभग 7 लोगों की हत्या होना निश्चय ही चिंता का विषय है, और इस चिंता में कुछ कदम जल्दी उठाए जाने की जरूरत है। कश्मीर मुद्दे पर 1990 में भी देश की सियासत ने अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से स्टैंड लिया था, और आज भी यही दिख रहा है। कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग हो रही है और सियासत में सिलेक्टिव बयानबाजी, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई नीति है जिससे आतंकवाद रोका जा सके, पलायन रोका जा सके, टारगेट किलिंग रोकी जा सके? कश्मीर को नया कश्मीर कहने वाली सरकार के सामने इस संकट से निपटने की बहुत बड़ी चुनौती है। शहर अंग्रेजी लगे हैं। और
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।